से हैं विजय, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। ओ हकीम साहब से बात हो सकती है? जी बात हो रही। जी आदाब, धन्यवाद। जी जी नमस्कार सर। जय हिंद सर। जी सर मैं एमपी से बोल रहा हूँ विजय। एक्चुअली क्या है कि मुझे 4 साल से एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्तन विवाद जिसको कहते हैं, तो उससे प्रेरित हूँ मैं। तो दवाई काफी एलोपैथिक करा चुका हूँ लेकिन कोई आराम विशेष नहीं हो रहा है। तो मैंने गौर चाह लिया था तो करीब 1 महीने से ले रहा हूँ तो उसमें भी कुछ खास आराम नहीं मिल रहा। लगता है कि डुप्लीकेट मिल गई थी। कहाँ से लिया थे? तो जी मैं यही से लिया था, पैसारी की दुकान से। कितने का लिए थे, कितना लिए थे? अरे जी सर जी मैं तो उसमें लगता है कि डुप्लीकेट दे दिया था, 125 रुपए का 100 ग्राम दिया था। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए और कोई सवाल है आपका? जी जी सवाल है, पेट भी साफ नहीं होता सर। पेट में मतलब दवाई खाते रहता हूँ, 3-4 साल से मैं इससे पीड़ित हूँ। काफी मतलब तकलीफ रहता, पैरों में तकलीफ, सूजन, चलने में दिक्कत, उठ नहीं पाता हूँ। अच्छा देखिए भरोसा रखें, और ये शर्तिया नकली ले लिया आपने, वो चमकने वाली कोई चीज दे देते हैं, चमकता हुआ कोई गोंद दे देते हैं, उसे एलवा कहते हैं। दुकानदार लोग बहुत बेईमान हो गए हैं। मैं बस यही शर्त लगाता हूँ कि असली लेना। गोंद स्या 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, ये एक दिन का खर्च है आपका, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाना है। तो अगर कहीं भी नहीं मिले असली तो आप हमारे यहाँ से तलब कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पहले चेक होता है पूरी तरह मशीनों में, फिर आपको दिया जाता है। याद रखें हम बगैर चेक किए नहीं देते, जब तक असली नहीं होता जब तक नहीं देते। आप अगर इंतज़ार करेंगे, शिकायत करेंगे कि भाई 1 हफ्ता हो गया अभी तक नहीं आया, तो आप अगर संयम रख सकते हैं तो मिल सकता है। अच्छा देखिए धनिया लीजिए, उसका पाउडर बनाइए अपने घर में, यानी ये भी भरोसे का होना चाहिए। मिलावट करें, देखिए मिलावट का दौर आ चुका है, अब लोग बेईमानी में ईमानदारी समझते हैं। धनिया खूब सारा पाउडर बनाएं, 1 चम्मच धनिया और 0.5 ग्राम गौंद स्या इसमें मिलाकर दिन में 2 बार खाएं। खाने के पश्चात पानी से या बगैर चर्बी के दूध से 5-7 दिन तक सब्र करें। ये 5-7 दिन में थोड़ा थोड़ा सा फ़ायदा शुरू करता है। अगर आपको असली मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। एक बात आपके लिए ख़ास कि आप ये वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, कुर्सी वाला शौचालय, और बहुत मेहनत ना करें इलाज के दौरान, तो आपको फायदा होना मुमकिन है। चलिए बात करते हैं अगले कॉलर से, हरियाणा से हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी किशन जी, सवाल कर लीजिए। हाँ जी से बात कर जी जी किशन जी बताइए क्या सवाल है। पैरों में पैर भारी रहते हैं जी, चलने में दिक्कत होती है जी। पैर भारी रहते हैं आपके या आपकी पत्नी के? मेरे जी। अच्छा चलने में दिक्कत होती है। कितनी आयु है भाई आपकी? 65। अच्छा देखिए, हाँ देखिए अभी बात चल रही थी कि गौंद स्या लेना है लेकिन नकली नहीं लेना, असली लेना है। ये चमकदार नहीं होता है, बड़ा भद्दी सूरत का काला गौंद होता है। चमकने वाला हो तो मत लीजिए। देखिए खाली 100 ग्राम खरीद लें असली गौंद स्या, और आधा ग्राम दिन में 2 बार खाने के पश्चात पानी से या बगैर चर्बी के दूध से खाएं। अगर 100 ग्राम भी आपको असली मिल गया तो ये 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम खाना है रोज़ाना, 0.5 ग्राम सुबह और शाम। 100 ग्राम भी किसी को असली मिल जाए गौंद स्या तो उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। बनशहर से हैं निखिलेश कुमार जी, स्वागत है आपका। जी जी सर बताइए अपना सवाल कर लीजिए। जी आदाब साहब बताइए। जय हिंद। डॉक्टर साहब मेरे ना ये प्रॉब्लम है, मेरे हाथ ना थोड़े वीकनेस आ गई है इनमें, और धीरे धीरे मेरे पैरों में भी वीकनेस आ गई है, मुझे चला भी नहीं जाता है। आपकी उम्र कितनी है जी? उम्र बता दीजिए। मेरी 32 साल उम्र है। 32 साल। ये बहुत कम उम्र में आपके कमज़ोर होते जा रहे हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिए। 5 बार गर्म पानी पिया करिए दिन में, 5 बार खूब गर्म गर्म पानी, और
अलसी खरीद लें, 200-300 ग्राम अलसी खरीदें और इसको हल्का सा भूनकर इसका पाउडर बना के रखें। और गौंद स्याह नाम का एक गौंद आता है, इसे काला गौंद भी कहते हैं, असली लें, नकली बहुत आता है। ये 0.5 ग्राम रोज़ाना लें और 1 चम्मच अलसी का पाउडर में मिला के दिन में 2 बार खाने के बाद दूध से लिया करें आप। याद रखें कि अगर 100 ग्राम भी असली गौंद स्याह मिल गया तो आपको फायदा होना मुमकिन है। गोंडा से हैं महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, हकीम सर से बात करनी है मैडम जी। बताइए क्या सवाल है मैम। हाँ नमस्ते सर। जय हिंद, आदाब। हकीम सर, ये हमारे पति किडनी के पेशेंट हैं और पार्किंसन के पेशेंट हैं। क्या तो उसके उसके लिए आप दवा बताए थे, ये मर्जून अखरोट और काला गौंद। देखिए, अगर किडनी में क्या प्रॉब्लम है उनको, आप हैं क्या लाइन पर? ये तो नीरो से बहुत परेशान है, ये जो पार्किंसन है इससे बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, उनकी आयु कितनी है? आयु कितनी है? 60 है। अच्छा, किडनी तो, में क्या प्रॉब्लम है उनके? किडनी उनके बहुत बड़े साइज की थी तो उसका ऑपरेशन हो गया है। अच्छा, तो वो उससे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पार्किंसन है इससे ज्यादा परेशानी की, चल नहीं पाते हैं, तो 60 साल की हैं। अच्छा, कहाँ पर है पार्किंसन? पूरे पूरे शरीर में है या कुछ? नहीं, पूरे शरीर में तो चल नहीं पाते हैं, बहुत झुक के चलते हैं, लेकिन ये है दिमाग से। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, किडनी उनकी ठीक है, चलो अच्छा है। नसों और पट्ठों की ताकत के लिए तो गौंद स्याह हो सकता है, एक खुराक रोज़ाना दिया करें 0.5 ग्राम की। और दिमाग के लिए 2 अखरोट और 10 किशमिश रोज़ खिलाया करें, या फिर जो आप माजून बता रहे हैं अखरोट वो दें, लेकिन काफ़ी वक्त लग सकता है, 7-8 महीने भी लग सकते हैं। और लहसुन खूब खिलाया करें, लहसुन ज़रूर खिलाया करें। और एक चुटकी में जितना ये आता है खाने का सोडा, 1 गिलास पानी में डालें और उसे रोज़ाना 1 बार ज़रूर पिलाया करें भाई को, और इंतज़ार करें, काफ़ी वक्त लगता है ऐसे मरीजों को फ़ायदा पहुंचने में। गोंडा से ही नेक्स्ट कॉलर है जहूर अंसारी, स्वागत है आपका। हकीम साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2 सवाल थे मेरे। मतलब जैसे अपन आंवला अलसी निचोड़ा पीपल जो बनाते हैं, ये जल्दी आराम करता है क्या? मतलब माजून हार के जल्दी आराम करता है। और दूसरी बात यह है, मैंने जैतून का सिरका मंगाया था जो 15 दिन हो गया, मतलब उससे थोड़ा कुछ एहसास नहीं हुआ, मतलब पेट के लिए मंगाया था, उसमें कुछ और मिला सकते हैं क्या? जैतून का सिरका मंगाया था ये पेट के लिए, क्या मिला सकते हैं उसमें? हाँ मतलब कुछ और, जैसे कुछ अलसी वगैरह कुछ और मिला सकते हैं क्या उसके उसमें? ने किसके लिए मंगाया था? पेट के लिए मंगाया था आपने? मतलब ये कब्जी के लिए, पेट के लिए मंगाया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, 1 रेशो है उससे आप बनाएं एक चीज़, ये मेथी 100 ग्राम और धनिया 200 ग्राम, इनको पाउडर बना के रखें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इसके साथ में लिया करें। जब ये जैतून का सिरका लें तो ये बहुत तेज़ काम करने वाला हो जाता है जी। एक था इनका माजून आर केयर ज़्यादा सही है, या फिर जो पेट के लिए एक और नुस्खा जुकाम वगैरह के लिए जो एक और नुस्खा बताते हैं वो ज़्यादा सही है? हाँ, ये माजून आर केयर एक पेटेंट दवा है जो 5-6 महीने देनी होती है इस मर्ज के लिए, वो परफेक्ट दवा है और ये घरेलू नुस्खा है और दोनों काम करते हैं, माजून आर केयर इससे बेहतर है। इसके साथ अगले कॉलर हैं दिल्ली से नीता, स्वागत है आपका।
हेलो हेलो जी नीता जी, मैम मैं ना नीलम अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी नमस्ते सर। जय हिंद। सर उनको ना स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है काफी सालों से। स्लिप डिस्क? हाँ जी हाँ। और वो ज्यादा देर खड़े या बैठे नहीं रह सकते, उनकी कमर में दर्द होता है। उम्र कितनी है उनकी? 61। और ये परेशानी कब से? मैम काफी साल हो गए होंगे, 8-10 साल रफली। ठीक है। अच्छा देखिए, आपकी बातचीत से लग रहा है कि आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट जरूर होगा, और नहीं है तो लगवाएं, वैसे होना चाहिए। आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसे रोगियों के लिए ज़रूरी है, दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, मैंने अपने अनुभव में एक रॉ मटेरियल देखा जो ऐसे रोगों पर बहुत मजबूती से काम करता है, और वो मैंने ही उसका को इंट्रोड्यूस कराया और लोगों को फ़ायदा मिलना शुरू हुआ। लेकिन अब परेशान मैं यूँ हूँ कि लोगों ने उसकी जगह एलवा देना शुरू कर दिया। एक एक, एक गोंद स्याह मैं बताता हूँ, एक रॉ मटेरियल है, गोंद है एक जो काले रंग का तकरीबन होता है, इस जायके में कड़वा होता है। तो वो बेईमानों को जब कुछ नहीं मिला तो एलवा उसकी जगह देना शुरू कर दिया, उससे मिलती जुलती चीज़ देनी शुरू कर दी जो शीशे की तरह चमकती हैं। आपको चमकने वाला गोंद नहीं लेना, असली गोंद से या बस 100 ग्राम खरीद लें, वो काफ़ी होना चाहिए माँ के लिए, और आधा आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद देना शुरू करें। और मम्मी से कहें 5-7 दिन, जहाँ इतना सब्र किया है 5-7 दिन आप सब्र करें, ये 5-7 दिन में फ़ायदा शुरू करता है थोड़ा थोड़ा। और ये 100 ग्राम अगर असली मिल गया तो ये 15-16 रुपये का आता है 1 ग्राम। ये आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम दें, असली ले लें बस, किसी भी सूरत आपकी जिम्मेदारी असली लेना, और आप देखेंगे कि मम्मी अच्छी होती जाएंगी। जब इतना लंबा सफ़र किया है तो जब ज़रूरत पड़े आप एलोपैथ भी दवा खा सकते हैं, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये रोग का निवारण है, ये दर्द की दवा नहीं है बिल्कुल। तो एकदम फ़ायदे की तमन्ना ना करें, 100 ग्राम भी खरीद लेंगे तो उनको फायदा होना मुमकिन है। हरियाणा से है मुकेश जी, स्वागत है आपका। हेलो मैडम नमस्ते। जी नमस्कार, हकीम साहब से बात कर रहा हूँ जी, भाईजान से। जी भाईजान, मुकेश भाई बताइए क्या सेवा हो। भाईजान ट्रांसफर। आदाब। बस आपका आशीर्वाद है जी। बताएं जी, आपकी जो मेरी वाइफ है ना, तो उसको दांतों में ठंडा गर्म लगता है। ठीक है ठीक है। तो वो डॉक्टर को उसने दिखाया था, तो वो दांतों का डॉक्टर बोला आपको हल्की सी पायरिया की शिकायत शुरू हो चुकी है। ठीक, तो कुछ बताइए सलाह जी। हाँ जी क्यों नहीं बताएंगे भाई। देखिए मल्टी विटामिन तो देना शुरू कर दीजिए, हर हफ्ते मल्टी विटामिन कैल्शियम की एक गोली या कैप्सूल दीजिए एलोपैथिक, और ज़रा सा एक चुटकी है ना इतना सोडा ले लें और अपने हाथ पे रखें, और एक दो कतरे सरसों का तेल इस पर ऐसे करके रोज़ाना रात को ऐसे हल्के हल्के रब करते रहें पूरे मुंह में, और मुंह लटका लें, एक चुटकी ले लें बस। और ये उस वक्त में करें जब सोने का टाइम हो, जितनी लार गिरे गिरने दें और कुल्ला किए बगैर सो जाएं। थूकना है तो थूकते रहिए लेकिन कुल्ला ना करें, ऐसा आप करना शुरू कर दें, और अगर 2-3 दिन भी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि फ़ायदा होना मुमकिन है।